हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चलिए जानते हैं जो डुअल स्टार्टर होता है। डुअल स्टार्टर बोले तो हमारा ये है, इसको डुअल स्टार्टर बोलते हैं। डुअल स्टार्टर जो होता है, एक दो बटन है दोस्तों, एक बंद का है और एक चालू का है, स्टार्ट और बंद। तो इसके अंदर दोस्तों कैसे कनेक्शन करना है नहीं करना है उस बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अब ये स्टार्टर का दो स्क्रू होता है, देखिए देख सक रहे हैं, दो स्क्रू है। इसको हम खोल लेते हैं, अलग हो गया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों क्या है, देखिए इसमें रिले लगा हुआ है, इसको हम रिले बोलते हैं, इसका नाम ही रिले है। ये रिले दोस्तों कितना एम्पेयर का है, 6.5 एम्पेयर आपको दिख रहा होगा, 6.5 एम्पेयर का रिले है दोस्तों। अब इस रिले को कैसे काम करना है नहीं करना है वो आपको बताने जा रहा हूँ, और रिले को कैसे चेक करना है। ले दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप कुछ भी स्टार्टर के मोटर के बारे में जानकारी चाहिए हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है यूट्यूब पे, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, ये रिले है, इस रिले को चेक करने का जो तरीका होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका रिले ये जल गया ना, इसके अंदर देख सकता है आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3 और एक चौथा, चौथा पॉइंट जो है दोस्तों ये कॉइल को चलाने के लिए होता है। कोई भी चीज को ऑपरेशन करना है उससे पहले आप पूरे चीज को देख लें, उसके बाद ही इसको खोलना है। ऐसा नहीं खोल दिया बाद में कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कनेक्शन कैसे करना है। देखिए ये कॉइल का सप्लाई होता है, ये कॉइल का सप्लाई होता है और ये भी कॉइल का सप्लाई होता है, लेकिन क्या होता है, ये कॉइल जो है 440 वोल्ट का है, यानी डबल फेस चाहिए। इस स्टार्टर में न्यूट्रल नहीं आता है, थ्री फेस आता है, थ्री फेस से ऑपरेट होता है। तो इस कॉइल होता है, ये जो कॉइल है आप देख रहे हैं वीडियो में उंगली रखा हूं, ये जो कॉइल है ये कॉइल 220 वोल्ट का नहीं है, ये 440 वोल्ट का है, इसलिए डबल सप्लाई इसमें आता है। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से एक सप्लाई तार आ रहा है, दिख रहा है ये तार, देखिए कहाँ आ रहा है, सीधा डायरेक्ट कॉइल में आ रहा है। दूसरा सप्लाई भी डायरेक्ट कॉइल में दे देंगे तो क्या होगा, ये स्टार्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन बटन से चालू बटन से बंद होना है तो उसके लिए क्या दिया है, रिले के ऊपर बटन दिया है। तो क्या किया दोस्तों, इसको सप्लाई यहाँ से आ रहा है, इसमें इसमें से जब आ रहा है ना तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसको जब हम पुश कर रहे हैं दोस्तों, ये सप्लाई इसमें कनेक्ट हो रहा है, देख सक रहे हैं, ये इसमें से कनेक्ट इसमें होता है, जब इसको पुश करेंगे तो इसमें से सप्लाई इसमें कनेक्ट होगा। देखिए इसके बीच में यहाँ से तार लगा हुआ है, कहाँ गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ से सप्लाई फिर यहाँ आउट दिया है। अब यहाँ से यहाँ क्यों दिया है, यहाँ एक पॉइंट है, ये क्या है, बंद वाला, जब इसको हम पुश करेंगे तो नीचे से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, आपका ये कॉइल का सप्लाई कट हो जाएगा। इसी तरह ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है। अब कई बार क्या होगा दोस्तों, ये जो लूप दिए है ना, ये क्यों देते हैं, आप बटन जब तक दबाएंगे तब तक चलेगा, इसके बाद इसको कंटिन्यू ऑन रहने के लिए तो सप्लाई चाहिए। इसके लिए इसमें देखिए चार पिन दिया है, देख रहे हैं चार पिन है, ये जो सप्लाई है इसी पिन से ये दोनों सप्लाई कनेक्ट होता है, ये सप्लाई जो आता है इससे इसमें और इसमें आता है। तो यहाँ से क्या होगा, कॉन्टेक्टर आपका जो होता है, ये कॉन्टेक्टर टाइप का ही है, ये कॉन्टेक्ट करेगा ऊपर की तरफ, देखिए जब कॉइल खींचेगा ये ऐसा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद देखिए ये चिपक गया, यहाँ पे सप्लाई आएगा, ये सप्लाई डायरेक्ट इसको दे देगा, यानी आपको इसका कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका बटन खराब हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है, तो वन टाइम ऑन करना है तो देसी उपाय है, आप जो है सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठा के बस यहाँ एक तार को शॉर्ट कर देना है, यहाँ से उठा के यहाँ एक तार शॉर्ट कर दिया तो आपका मोटर ऑन हो जाएगा, लेकिन बटन से ऑन नहीं होगा। ये ऐसा प्रैक्टिकल करना नहीं है आप लोग, मैं एक एग्जांपल बस बताया, हमें अर्जेंट है, एक बार ऑन हो जाए, बंद तो हो ही जा रहा है, ऑन हो गया तो कैसे भी काम हो जाएगा हमारा, उस कंडीशन के लिए ये है। अब दोस्तों कनेक्शन जो देते हैं हम मोटर का, आउटपुट यहाँ लगाते हैं, जब हम इसमें फेस प्रिवेंटर लगाते हैं तो कभी भी फेस प्रिवेंटर
इनपुट में नहीं लगाना है, यहाँ पे लगा देता है इनपुट में नहीं लगाना है। उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार हमारा रिले खराब हो जाने के बाद क्या होगा, दो फेस आएगा और मोटर चल जाएगा। यदि सेफ्टी कर रहे हैं तो प्रॉपर करें। अभी दोस्तों ये रिले होता है, इसको कितना एम्पियर पे सेट करना है, देखिए सिंगल फेस और थ्री फेस दो टाइप का मोटर होता है, दोनों का अलग अलग होता है कैलकुलेशन। सिंगल फेस एक एचपी का मोटर है तो 5 एम्पियर लोड लेगा, और थ्री फेस का एक एचपी का मोटर है तो आपका 1.6 एम्पियर लोड लेगा। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है, 1.6 इंटू जितना एचपी है, 2 एचपी है 2 डाल दो, या 3 एचपी है 3 डाल दो, या 4 एचपी है 4, कैलकुलेशन करो आप उतना पे एम्पियर इसका सेट कर देना है। एम्पियर जब भी सेट करें, देखिए ये जितना एम्पियर आपका कैलकुलेशन में आ रहा है उसको उतना एम्पियर पे सेट करें, इसको धीरे से घस करके और अच्छा से करना। लाइट करंट का खेल है ये, कोई मजाक का चीज़ नहीं है, बिजली है, बिजली अपना बाप का नहीं होता है, हम और आप तो इंसान हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको स्टार्टर कैसे चेक करना है, रिले कैसे ख़राब हो गया, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल चेक करके बताऊंगा और आप भी उस तरह से चेक कर सकते हैं। आज तो आपको स्टार्टर ऑन कैसे होता है वो इस वीडियो में आपको बताया। अच्छा, आई होप अच्छा लगेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जय हिंद दोस्तों।